तो टॉपिक का नाम है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का जो सबसे पहले जो नॉर्मल पीएन डायोड है, जो नॉर्मल पीएन डायोड है, और ये जो डायोड है जिसका नाम है ज़ीनर डायोड, ज़ीनर डायोड के अंदर मैंने क्या बताया, डोपिंग ज़्यादा की जाती है पी और एन की, नॉर्मल डायोड में नॉर्मल होती है, कम होती है। नॉर्मल डायोड जब रिवर्स बायसिंग में जाता है तो करंट को ब्लॉक कर लेता है, पर जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हो बैटरी की तो बॉन्ड टूट जाते हैं, करंट एकदम बढ़ जाता है। उस खास किस्म की वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। पर ज़ीनर डायोड में जब रिवर्स बायसिंग की जाती है, ये भी करंट को ब्लॉक करके रखता है, पर जब आप रिवर्स बायसिंग हल्की सी भी बढ़ाते हो तो ये जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को इस केस में क्या बोलते हैं, ज़ीनर वोल्टेज। ज़ीनर डायोड में ज़ीनर वोल्टेज, आम डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इस डायोड का क्या खास काम है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो आप सोच भी नहीं सकते इसकी एप्लीकेशन। मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक मोबाइल है, आपका मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें सिलिकॉन के चिप्स लगे हुए हैं। तो सिलिकॉन का चिप है, आपका मोबाइल का डिवाइस सिर्फ और सिर्फ मान लो 12 वोल्ट पे काम करता है। आप चार्जर लेके आते हो, आप उसको चार्ज करते हो, आप अगर ये कहो कि मैं 20 वोल्ट लगा दूंगा, 30 लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा, मोबाइल उड़ जाएगा, पक्की बात है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं वोल्टेज को लेके, हल्की सी वोल्टेज पावर बहुत जनरेट कर देती है और ये उड़ जाते हैं। ठीक, तो बहुत वोल्टेज नहीं हो सकती, तो आपके मोबाइल को 12 वोल्ट चाहिए, इसको 12 वोल्ट ही चाहिए। आप चार्जर लगाते हो, चार्जर के अंदर ज़ीनर डायोड लगा हुआ है। वो ज़ीनर डायोड क्या डायोड है, अगर ज़ीनर डायोड 12 वोल्ट का लगा हुआ है तो बस उसने अपनी आउटपुट 12 वोल्ट ही देनी है। आपको सर पीछे से अगर 13 आ गई तो भी वो 12 ही देगा, पीछे से अगर मान लो 15 आ गई तो भी वो 12 ही देगा, पीछे से अगर 20 आ गई तो भी वो 12 ही देगा। मोबाइल को खराब नहीं होने देगा, मोबाइल को 12 चाहिए, उसको 12 ही मिलेगी। तो ऐसा फिर वो क्या कैलकुलेशन करता है कि आपकी पीछे से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज तो पीछे फ्लक्चुएट होती आती रहती है, तो वो सिर्फ अपने 12 पे टिका हुआ है। तो ये ज़ीनर वोल्टेज है या ज़ीनर डायोड है जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, इसलिए इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर। ये काम कैसे करता है, पहली बात अजीब लगेगा सुन के, ये ब्रेकडाउन में काम करता है, इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। ज़ीनर डायोड जब लिया जाता है वो रिवर्स बायसिंग में लगाया जाता है, फॉरवर्ड में तो ये लगाना ही नहीं होता। तो ज़ीनर डायोड लो, उसको रिवर्स बायसिंग में लो, रिवर्स बायसिंग में इतनी ज़्यादा कर दो कि उसका ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब इसमें करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए। ये काम ही तब करेगा, नहीं तो ये काम ही नहीं करता। आपको अजीब लगेगा ऐसा कैसे, मतलब हम तो रिवर्स बायसिंग ये चाहते थे कि करंट रोक के रखे, लेकिन इस डायोड में हम क्या चाह रहे हैं कि करंट रोक के ना रखे, करंट को जाने दे, माइन्यूटी करंट बहुत ज़्यादा करते, ऐसा क्यों? इसका रीज़न देता हूँ। देखो पहले इसका सर्किट समझते हैं। आम डायोड का जो सिंबल होता है ना, जो नॉर्मल डायोड है उसका सिंबल ये होता है, ये रहा। जो ज़ीनर डायोड है उसका सिंबल ये होता है, नॉर्मल डायोड है, ये ज़ीनर डायोड है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? तो आपको ये अगर मार्क करने को आ जाए दोनों में क्या डिफरेंस है, तो नॉर्मल डायोड है और ये ज़ीनर डायोड है। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि नॉर्मल डायोड से हट के आएगी। दूसरा, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है, इसके लिए पीछे से मान लो वोल्टेज आ रही है, पीछे से चाहे 15 वोल्ट आ रही है, चाहे 20 आ रही है, चाहे 8 आ रही है, कुछ भी आ रहा है, यहाँ पर एक स्टॉपिंग रेजिस्टेंस लगाई जाती है, RS एक रेजिस्टर है, यहाँ पर डायोड लगाया जाता है, डायोड ज़ीनर डायोड लगाया जाता है, और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगाई जाती है RL। यहाँ में मेरा मोबाइल लगा होगा चार्जिंग पे, जो भी है, अगर 12 वोल्ट, अगर ये 12 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है तो मैं पैरल में मोबाइल लगाऊंगा 12, ताकि ये अगर 12 है तो ये मेरे मोबाइल को भी 12 वोल्ट ही देगा। तो इसमें अगर मान लो I करंट आ रहा है, तो I में से ये इसमें से कितना करंट पास होगा IZ, और इसमें से कितना पास होगा IL। लेकिन रूल ये है, IZ तब पास होगा जब इसका ब्रेकडाउन होगा, अगर इसका ब्रेकडाउन ना हुआ तो IZ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ब्रेकडाउन ना हुआ तो रिवर्स बायसिंग में काम करेगा और रिवर्स बायसिंग में ये करंट को पास होने नहीं देगा, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, जीरो, राइट? तो इसका करंट हो जाएगा जीरो, तो सारा करंट इसमें से जाएगा। पर क्योंकि मैं चाहता हूं ये काम करे, इसमें से करंट पास करे, तो इसमें से जो भी करंट पास करे तो इसके लिए इसको ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तो ये ब्रेकडाउन में ही काम करेगा। अब काम करता कैसे और लॉजिक क्या, ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पीछे से जब 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, ये क्यों 12-12 दिए जा रहा है। तो इसको समझने के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन सिंपल है। मान लो आपके पास एक
जीनर आप डायोड लेके आए, उस पर लिखा हुआ था कि वो 3 वोल्ट का जीनर डायोड है। 3 वोल्ट का जीनर डायोड का मतलब उसने आउटपुट हमेशा ही कितनी देनी है, 3 वोल्ट ही देनी है। जब मैं बोलता हूँ उसने आउटपुट हमेशा 3 वोल्ट की ही देनी है, इसका मतलब ये होता है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट की है, क्योंकि 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होती हैं। जीनर की करेक्टरिस्टिक्स ये थी ना रिवर्स बाइसिंग में, ये देखो कि अगर आपकी वोल्टेज 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद करंट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, मतलब करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ता बढ़ता रहेगा, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं रिवर्स बायसिंग में, तो ये ग्राफ इधर को नहीं जाता, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि वोल्टेज कैन नेवर इंक्रीज, लेकिन क्या इंक्रीज हो जाएगा, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स का ही हम फायदा उठा रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो देखो इसके अंदर क्या हुआ कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, इसका काम है 3 वोल्ट का आउटपुट देना। तो V फॉर आउटपुट है जीनर की, E फॉर इनपुट वोल्टेज है, E फॉर जो वोल्टेज मैं दूंगा, I फॉर जीनर का करंट है, R मान लो जीनर की रेजिस्टेंस है। तो मान लेते हैं जीनर की जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही है, इसको तो छेड़ो ना। तो E जो E की वैल्यू है ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, मान लो पीछे से फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज कितनी आई, 3 वोल्ट आई। तो जीनर बड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये क्या करेगा, ये करंट को जीरो कर देगा, अपने अंदर से करंट को जीरो रखेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटपुट क्या आएगी फिर, 3। अगर पीछे से वोल्टेज बढ़ के 4 हो गई, ये क्या करेगा, अपने अंदर से करंट को कितना कर लेगा, 1 कर लेगा, ताकि इसका डिफरेंस क्या आ जाए, 3। अगर पीछे से वोल्टेज 5 हो जाए, ये करंट को 2 कर लेगा और करंट को पास कर देगा अपने अंदर से, ताकि इसकी वोल्टेज फाइनल 3 ही रहे। तो जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ाते रहो, ये करंट को चेंज कर करके आपके आउटपुट वोल्टेज को क्या रखेगा, एग्जैक्टली सेम। तो और करंट कब बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये देखो 0 1 2 3, ये देखो करंट बढ़ रहा है 0 1 2 3। तो वोल्टेज हमेशा 3 वोल्ट ही रहेगी, लेकिन करंट इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि वोल्टेज को कांस्टेंट कैसे रखता है। तो इसीलिए इसको हम हमेशा किस में काम करते हैं, हम रिवर्स बायसिंग में काम करते हैं, और इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। अगर ब्रेकडाउन ना हुआ, कोई कहता है सर एक काम करो, अगर ये जीनर वोल्टेज इसकी मान लो 3 वोल्ट की है, तो ठीक है इसका ब्रेकडाउन हो गया, तो हर वक्त ये 3 ही देता जा रहा है, समझ में आ गया। लेकिन अगर पीछे से 2 वोल्ट आया, तब 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होता है, पर आपने तो 2 वोल्ट लगाया पीछे से, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इसमें IZ क्या होगा, 0 होगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, फिर करंट किस में से जाएगा, सिर्फ इसमें से जाएगा। तो फिर आंसर क्या आएगा, 2 वोल्ट ही आएगा, फिर 3 वोल्ट नहीं आएगा। फिर मोबाइल को कितने वोल्ट मिलेंगे, 2 वोल्ट मिलेंगे। फिर अगर पीछे से 1 वोल्ट हो गया तो 1 वोल्ट ही मिलेगा, 0.5 हो गया 0.5, तो कहेगा फिर तो रेगुलेटर नहीं हुआ ना, क्योंकि पीछे से अगर वोल्टेज ब्रेकडाउन से कम कर दी, 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट मिला मोबाइल को, 2.5 है तो 2.5 मिला मोबाइल को, हाँ 3 या 3 से ऊपर है फिर 3 3 मिला। तो प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल को अगर कम वोल्टेज दे रहे हो ना, मोबाइल खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दे दी, इट सेमी कंडक्टर डिवाइस, तो खराब टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, पावर डिसिपेशन हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, कम में दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम वैसे भी कम होने भी नहीं देते, हम ब्रेक डाउन करवा ही देते हैं उसका। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वाले हैं इतने समझदार होते हैं, उनको पता है पीछे से क्या सप्लाई आ रही है, कितने में ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन हो ही जाता है चार्जर में। तो बट आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, कोई ये मन में सोच सकता है कि अगर इसका ब्रेक डाउन हो गया 3 वोल्ट से ऊपर, फिर तो आंसर 3 ही दे रहा है, पता लग गया, अगर 3 से कम है, हाँ फिर ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसका करंट 0 होगा, फिर जो वोल्टेज एक्चुअल है 2 तो 2 ही देगा, 1 है तो 1 ही देगा। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रिवर्स में क्यों काम करवाया जाता है और इसका ब्रेकडाउन में ही क्यों काम करता है ये, ठीक। तो एक तो ये लॉजिक है, दूसरा इसके अंदर ये इसका ग्राफ करेक्टरिस्टिक्स याद करें फिर से। जीनर के अंदर ये इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज है, मैंने अभी समझाया आपको, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट है, अगर मान लो 1 वोल्ट है तो आउटपुट भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, ये 3 है तो 3 है, पर अगर आपकी वोल्टेज इनपुट 3 से ज्यादा है, फिर आउटपुट आपकी क्या रहेगी, 3 3 3 3 3। तो सही है ना ग्राफ, कि अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज है फिर तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगी, और अगर कम है तो जितनी आपने अप्लाई की उतनी रहेगी। तो ग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स मार्क कर लेना। तो ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये आपका जीनर डायोड है, और वर्किंग वाला तो चलो जो है मैंने बताई दी इसमें, राइट, क्लियर है।